और जीव की तीन अवस्था इसके साथ तुलना करके दिखाया था तो वास्तविक अमात्र चतुर्थ अव्यवहार प्रपंच उपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एवं संविशति आत्मन पदम जय एवं देव ठीक है ना। ये प्रपंच उपशम शिव अद्वैत सारा जो है प्रपंच जिसमें जाकर के लय प्राप्त करता है वो भेद रहित मंगल कार्य शिव मतलब शब्द का अस्तित्व है ना पूर्ण है भेद रहित मंगल है मंगलमय भेद रहित तत्व है। डॉक्टर शिव जी को देखा सामान्य वो अस्वीकार नहीं करते हैं वो है परंतु नाम रूपात्मक है परंतु परमात्म स्वरूप है नाम रूप से भेद भेद रहित तत्व वो सबसे कल्याणकारी तत्व है ना। जहाँ कोई व्यवहार नहीं होता व्यापकता में व्यवहार नहीं होता परिच्छिन्नता में व्यवहार होता है ना। शिव अद्वैत इस प्रकार से जो ओंकार और आत्मा ओंकार मतलब क्या हो गया निर्गुण निराकार निर्विशेष व्यापक का प्रतीक हो गया अनुराग और वही क्या है हमारा स्वरूप मतलब हमारा स्वरूप क्या हो गया ओंकार मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष ये हमारा स्वरूप ठीक है ना। ओंकार शब्द प्रयोग किया प्रतीक को लेकर के मतलब जिसके लिए शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता एक प्रकार से आत्मा स्वात्मिक वस्तु मिथ्या होता है ये लिखा सात्विक वस्तु जब मिथ्या होता है तो तीन आकार का होता है क्योंकि अंतरिक्त देश अंतरिक्त काल फिर जब किसी के साथ भगवत नहीं मिलता है देखो तुम्हारे साथ काल रात काम भी लेते नहीं बोलोगे हमने तो सपने में देखा तो हमारे साथ नहीं देखा तो इस प्रकार से और अस्पष्ट रूप में रहते हैं और जो भी वस्तु देखा उसको स्वप्नों के बाहर फेंक उसका भी उपयोगिता नहीं है। जितना धर्म यहाँ पे है स्वात्मिक वस्तु में जिस कारण से आप शास्त्रों को भिक्षा डॉक्टर को भिक्षा बोलते हैं उतना ही धर्म जागृत में भी बैठा हुआ पहले हेतु क्या है विमता मिथ्या दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिच्छेदत्वाद विकारित्वाद ये सारे हेतु जो है हमारे जागृत में भी बैठा हुआ है इसलिए जागृत वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है यानी कि पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव है। इसलिए संग्रह में आकर के एक श्लोक में कह दिए थे न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न साधक न मुमुक्ष न विमुक्त इत्येषा परमार्थ ये पारमार्थिक स्थिति क्या है कि सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं है इसलिए लय ही लय के लिए भी प्रयास मत करो जित लय जित विषय को शांति कुछ नहीं है नहीं वो मान्यता ही मत दो उसको न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न साधक
कोई बंधन है कि बंधन तुम्हारी मन मान्यता दे रखा है, इसलिए तुम साधन में साधन के द्वारा साध्य वस्तु अथवा मुक्ति को प्राप्त करूंगा। परंतु साधन के द्वारा यदि मुक्ति को प्राप्त करेंगे वो मुक्ति भी अनित्य ही होगा, अनित्य नहीं हो सकता। इसलिए न बद्ध ना न निरोध न उत्पत्ति न मुक्ष ना भी मुक्त हो, कोई मुक्ष नहीं है। यदि हमारी कल्पना है तो मुक्त कहाँ से, नित्य मुक्त वस्तु कहाँ से मुक्त होगा। भी इस प्रकार से ऐसा कथन करने के बाद इस स्थिति में यदि हम समझ में आता है तो कैसे संशय का भर जाएगा, तो संशय का भर कैसे चला, क्या बोला था आपने, स्तुति नमस्कार चला चलिको भर कहते नहीं। बस संसार में मतलब मान अपमान स्तुति नमस्कार अथवा कुछ भी चीज को ऊपर रात जिस पर रहित होकर के बस अपने स्वरूप में अपना असंग पूर्ण स्थिति में विद्यमान है। चला चल निकेत एक चल निकेतन है, एक परमानेंट एड्रेस, एक टेम्पोररी एड्रेस है ना। टेम्पोररी एड्रेस क्या है, स्थूल शरीर हमारा टेम्पोररी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अपना असंग पूर्ण है। जिस अवस्था में आपको इच्छा हो तो कभी थोड़ा वो चल निकेतन में आ गया, परंतु व्यभिचारी अथवा आपने मनमर्जी कुछ नहीं करता, अनेक जन्म की पूर्ण अनेक जन्म के अनुशासन के फल जड़ी इस प्रकार की तब तक अनुभूति होती है। परंतु हमारे बोलते हैं वो जैसा चाहे कभी शरीर, क्योंकि शरीर है उसका एक प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध ईश्वर इच्छा के साथ उनकी मन की इच्छा एक हो जाते हैं। परंतु क्या होता है कि जब तक शरीर की प्रारब्ध तब तक ही चल निकेतन नाश पै करके जो भिक्षा करना कर सके उसका सुविधा नहीं है। इस प्रकार से तत्तम आध्यात्मिकम निष्ठा तत्तम निष्ठा उपाय होगा। ये तो पारमार्थिक तत्व है, ये हमारा स्वरूप है, केवल यही नहीं है, सारा संसार इससे पूर्ण है। प्रति भूतस्तरा नाम तत्व अप्रच्युत होकर ऐसा ब्राह्म स्थिति प्राप्त वैनम प्राप्त होती है। प्रति भूत तदा राधे ब्राह्म स्थिति को प्राप्त करते तत्व अप्रच्युत होकर किसी व्यवस्था में होता है उसे प्रच्युत जन्म का अपने व्यापकता विज्ञानता असुंदरता के भाव से कभी भी ज्ञान विचार नहीं करता। इस प्रकार से जब वैतत्व प्रकरण समाप्त हो जाता है, यही प्रकरण समाप्त हो सकता है। परंतु आपने द्वारा जब सारा जगत को मिथ्या निश्चय कर दिया तो अद्वैत भी मिथ्या ही होगा, बोलते नहीं नहीं वो अद्वैत मिथ्या नहीं है, मतलब जिस अधिष्ठान के ऊपर कल्पित वस्तु तो मिथ्या होता है परंतु अधिष्ठान मिथ्या नहीं है। इसको समझाने के लिए जो है अद्वैत प्रकरण शुरू हो गया। यहाँ पे ये लोग जो है मतलब उपासना आदि करते हैं तो ये उपासना में भेद दृष्टि बना रहे हैं, और ये भेद दृष्टि हमारी विफलता है, और पूर्णता की दृष्टि हमारी पूर्णता, पूर्णता की दृष्टि पूर्णता। इसलिए पहले यहाँ पर प्रति को भगवान नाथिकार बोले थे, देखो इसका पहले क्या दिया, ओंकार की निर्णय किया और प्रपंच उपासन शिवाद्वैत आत्मा ही प्रतीता मानते हैं, प्रपंच उपासन शांत शिवाद्वैत आत्मा ही है, इस प्रकार प्रतीता मान दी। और जब आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा ज्ञान के द्वैत नहीं तत्व का वहाँ पर द्वैत आपको नहीं जाएगा। इस प्रकार से और जागृत वस्तु कैसे स्वप्न माया गंधर्व गणपत इस प्रकार की दृष्टान के द्वारा कहा तो अद्वैत भी मिलता हुआ और जगह अद्वैत मिलता नहीं था। उसको प्रतिपादन करने के लिए श्रुति का कोई उपयोगी कथन का खुद श्रुति में उपासना की कर्म का भी कथन है वेदों में, तो वो हमें जब भेद दिखते आप भेद कैसे मिलता बोलते, वेद में कर्मकांड में सारा भेद दिखा करता है, यजमान वेदिक यजमान करते हैं कर्म कर्मकांड सारा भेद दिखते हैं वहाँ पे। अब आप बोलते भेद मिलते अच्छा उसको छोड़ दो, उपासना एक उपास्य देवता है, एक उपास्य तो वही भिन्नता है, और इस उपासना के द्वारा मुक्त ब्रह्मलोक में जाते हुए उसी को मुक्ति मानते हैं, उसको आप मिथ्या कैसे करते हैं। अब उसको तृतीय प्रकरण की जो पहला होता है उपासनाश्रित धर्म जाते ब्रह्म निवर्तते प्रागुत्पत्ति अयम सर्वम तेन श्रोते मनस्मित। इन उपासना को आश्रय करके वो भी समस्या, उपासना को आश्रय करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार का जो जीव धर्म मतलब जीव धर्मस्य धर्मात् धर्म धर्मात् धर्म जीव धर्म शब्द का अध्ययन कर दिया, जीव मतलब शरीर को धर्म करता है, एक केवल एक नया शरीर धर्म करता है, इसलिए धर्म उपासना सूत्र धर्म मतलब उपासना को आश्रय करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार का जो जीव है ना वो जीव क्या होगा कार्य ब्रह्मता की पांच पदक जाते वो ये कहते हैं, वो बात ये कहता है उत्पत्ति से पहले सब तो भेद रहित था परंतु बाद में सब भेद हो गया। इस प्रकार कहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मवेत्ते न अशोक कृपा न सुने ब्रह्मवेत्ता पुरुष के द्वारा इसको कृपण कहा गया है।
हाँ बोला गया करना बच्चा पुरुष को अपने पास सामर्थ्य रहते हुए भी जो व्यक्ति उसको प्रयोग नहीं करता उसको कृपणता कहा जाता है। किसी भी प्रकार के सामर्थ्य आपके पास है परंतु आप उसको ठीक से उपयोग नहीं किया यही जो कृपणता का दर्शन है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं पारमार्थिक भेद रहित है और इस भेद रहित तत्व में भेद को पारमार्थिक मान करके जो लोग व्यवहार करते हैं तो इस प्रभु पाठन के द्वारा मुक्त हो जाऊंगा जो समस्त है क्या है उसको शास्त्रों में कृपण करके स्मरण किया जाता है वो कृपण है ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कृपण कहा इसको कहा फल कर्म का जो फल चाहने वाले व्यक्ति कृपण होते हैं क्योंकि कर्म का के फल नहीं चाहने वाले व्यक्ति मुक्त हो जाता है और कर्म का के फल चाहने वाले वक्त वही मेहनत वही सब कुछ लगता है फल चाहने का थोड़ा फल मिला और फल नहीं चाहने का क्या बैंकों का पूर्ण फल मिल गया। इसलिए आप क्या प्रतिज्ञा करते हैं दो नंबर एक साथ सब मिल करते हैं इसका भाष्य हो गया था टीका नहीं जायते इसलिए वक्षामि मैं अभी आपको बताऊंगा क्या बताऊंगा सत्यपीजो और भेद राहित्य की जो भाव ये हो गया भेद राहित्य की जो भाव ये हो गया अक्षिपनता और भेद की भाव हो गया कार्बन और उसका निश्चित अकार्बन ठीक है भेद राहित्य की भाव अजाति क्यों जन्मने निर्विशेष है देखो जो समता पर निर्विशेषता प्राप्त मतलब जन्म राहित मैं ये पूछना चाहता हूँ जाति में विसर्ग है कि नहीं है विसर्ग नहीं है। अच्छा तो ये जो है अजाति तो ये किसका विसर्ग विसर्ग नहीं है क्योंकि आगे दंत से दिखाई दे रहा है विसर्ग होता तो वहाँ पे जैसे हरि ही विसर्ग होना चाहिए अब यहाँ पे अजाति तो अजाति में विसर्ग नहीं है यानी कि इसको क्या मानना कौन सा लिंग होगा ये रश्विकारंत शब्द है पुलिंग स्त्रीलिंग बने लिंग पुरुष लिंग क्या लिंग होना चाहिए बारी शब्द पढ़ा कि नहीं बारी 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 नहीं बारी नहीं बारी बारी नहीं बारी शब्द नहीं है वहाँ पे नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग जब बोल रहे हैं तो हमारे पास तीन शब्द हैं ब्रह्म आत्मा पुरुष ब्रह्म नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं आत्मा पुरुष में पुरुष शब्द भी पुरुष में प्रयोग करते हैं यह आजादी जो बोलते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म को ये हमारी आकांक्षा ठीक है आजादी अजाति शब्द प्रयोग करते हैं इंटर जेंडर में प्रयोग किया यानी कि निर्विशेष व्यापक इसलिए वहाँ पर समता सर्वता मतलब क्या कर दिया था निर्विशेषता प्राप्त दो नंबर की निर्विशेष व्यापकता अजाति हो गया जन्म रहित मतलब इसके अंदर लक्षित हो गया व्यापकता वो व्यापकता कैसी व्यापकता निर्विशेष व्यापकता क्यों यथा ना जाए आपको दिखाई तो सामने दे रहा है दिखाई सामने दे रहा है वस्तु है अंतिम उत्पत्ति नहीं हुआ ये कैसे नहीं हुआ कैसे आप ऐसा देख सकते हैं सामने वस्तु दिखते हुए भी ये वस्तु नहीं है ये कब समझ में आएगा सामने हमको सर को दिखाई दे रहा है परंतु हमारे मन में निश्चय कौन सर को नहीं है सामने हमने मरुभूमि की बालू की चकचिक्रता के जल की भ्रांति हो रहा है परंतु मन में निश्चय है कि यहाँ पे जल नहीं है निश्चय आप बताए इसलिए हम उसके पीछे दौड़ते नहीं है प्रकृति होने दो उत्पन्न होता है ठीक है ना यथा रज्ज्वाम सप्तमे एक वचन है रज्जु में सर्प प्रथम एक वचन भ्रांता भ्रांति से जायते
रज्जु में सर्प भ्रांति से उत्पन्न तथा के पूछे प्रकार सर्व भ्रांति दृष्टा जाए भाषमानम अभी ये सारा सृष्टि उसी प्रकार से सारा सृष्टि भ्रांति दृष्टि से अधिष्ठान तत्व के अज्ञान के कारण जायमान भाषमानम अभी मतलब तो पैदा हुआ जैसा प्रतीति होने पर भी पैदा हुआ जैसा प्रतीति होने पर भी है ना जल जैसा दिखाई दे रहे यथा ये न प्रकार वस्तु तो ना जायते बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक बार उत्पन्न होना संभव है जिस प्रकार से होना संभव है ना जाते किंतु सर्वत देश कालत वस्तु पूर्ण चारों तरह से देश 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 परिच्छिन्नता काल परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्न तीनों नहीं है तीनों दृष्टि से पूर्ण है किंतु सर्वत हर प्रकाश मतलब देश दृष्टि से परिच्छिन्न नहीं है काल दृष्टि से परिच्छिन्न वस्तु वस्तुत पूर्ण कूटस्थ में तो वस्तु है ना वो पूर्ण और कूटस्थ नित्य वस्तु है और सांप्रवादी जैसा परिणामी नित्य वस्तु नहीं है पूर्ण कूटस्थ वस्तु भवती तथा तम प्रकार की उस प्रकार को अभिनंदन को तम प्रकार संबंध यहाँ तक हमारा हो गया ठीक है ना सामने प्रतीति होने पर भी वो वस्तु वह है नहीं कि कैसे होना संभव है ये हम आपको शास्त्र का आधार पर बताएंगे बट लॉजिक विल बी मेन थिंग ना शास्त्र के साथ युक्ति के साथ आधार प्राप्त कर बोलेंगे अब तृतीय के लेकर के ऊपर का प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्देन परमात्मा प्रहित सब कीर्तित इति अपेक्षाया आह प्रतिज्ञा वाक्य क्या है इति अतो वक्षामि अपार्थान नमस्कार उपासना स्थित धर्म जाते ब्रह्म निवर्तन ठीक है ना ये एक में तो ब्रह्म शब्द आपको प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्द देना नौ नंबर की ये जो ब्रह्म शब्द देना ब्रह्म शब्द व्यक्ते अनेना ब्रह्म को कहा जाता है इस जिसके द्वारा इस बुद्धि अकार पन्न शब्द देना यहाँ पे देखिए अतो वक्षामि अकार पन्नम तो अकार पन्नम तो ये तो ब्रह्म शब्द तो बोला नहीं बोला नहीं परंतु यहाँ पे टीका कर क्या लिख रहे हैं प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्द देना तो कहाँ ब्रह्म शब्द है वहाँ हम बोलेंगे पहला शब्द देख लो उपासना धर्म जाते ब्रह्म निवर्तते यहाँ पे ब्रह्म शब्द बोले ठीक है ना इस ब्रह्म शब्दों को यहाँ पे इसका विपरीत एक मात्र विकार जो ब्रह्म को बोला परंतु पारमार्थी क्या है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म कूटस्थ ब्रह्म इसे टिप्पणी का होता है ब्रह्म शब्दत्य अनेना ब्रह्म लक्षित हो शब्द के मतलब शब्दित होता है ऐसा आवाज किया हमने इसे क्या कहना चाहते हैं मतलब क्या है आप लोग मान लीजिए हम बोलते बोलते अचानक अब क्या होगा सब इधर देखेंगे मतलब शब्द करना शब्द उद्देश्य नहीं था पे अटेंशन दूंगी इस शब्द के हम बोलते हैं ब्रह्म शब्द के अनेना इस प्रकार वो अटेंशन ब्रह्म शब्दित किया जाता है जिसके द्वारा कि शब्द अकार पन्न में शब्द के द्वारा इसके बोलते हैं अनेनेति व्युत्पत्ति अकार पन्न शब्द ब्रह्म शब्दते अनेना ब्रह्म को शब्दित लक्षित किया जाता है जिसके द्वारा किसके द्वारा अकार पन्न शब्द के द्वारा अजाति के ब्रह्म को बोल रहे बोल रहे क्योंकि लीडर जनता ने प्रयोग किया ना अजाति समझ ये अकार पन्न मतलब अकार पन्न क्या है जन्म राहित्य ही अकर्मण है और भेद देखो मतलब भेद राहित्य जन्म मतलब भेद भेद से भेद राहित्य हो गया अकर्मण यानी भेद हो गया कर्म इसलिए बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य न ब्रह्म शब्द न परमात्मा प्रतीत प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म शब्द के द्वारा परमात्मा पद को कथन किया गया है वो परमात्मा स्वरूप क्या है शब्दित किया जाता है जिस शब्दों के द्वारा ब्रह्म को लक्षित किया जाता है जिस शब्द के द्वारा शब्द है अकार्पण अथवा कार्य ब्रह्म के द्वारा निर्दूषित ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म के माध्यम से निर्दूषित ब्रह्म लक्षित होता है है कि नहीं ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं उसके द्वारा लक्षित होता है निर्गुण निराकार निर्विशेष इसीलिए बोलते हैं अकार्पण्य शब्द नहीं परमात्मा प्रकृत परमात्मा हमारे विचार के विषय बन गया प्रकृत मतलब विचार के विषय सकित्री वो परमात्मा किस प्रकार इति अपेक्षायाम ऐसा जिज्ञासा होने पर आह तब कहते हैं अब आइए श्लोक में आत्मा ही आकाशवत जीवेन
आत्मा याकाशवद् जीवै घटाकाशैरिवोदितः घटादिवश्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् आत्मायाकाशवद्जीवै घटाकाशैर्विभोरितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् आत्मा मतलब परमात्मा हमारा स्वरूप वो कैसा है आकाश हुआ वो आकाश हुआ है आकाश शब्द प्रयोग करके तीन चीज यहाँ पे कह दिया आकाश व्यापक है आकाश असंग है आकाश असंतुष्ट है किसके साथ मिलता नहीं है ना असंग असंतुष्ट व्यापक है पूर्ण इसलिए बोलते हैं आत्मा ही आकाश हुआ यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी दिखे स्वगत सजातीय भेद शून्य विजातीय भेद शून्य नहीं बोलिए दृष्टांत में ये भिन्नता है आकाश का विजातीय वस्तु को हमने माना क्या पांच पंचमहाभ आकाश का विजातीय वस्तु को माना है आकाश भाई और इसीलिए ब्रह्मसूत्र आता द्वितीय अध्याय तृतीय द्वितीय पाद से लेकर शुरू करें आकाश का उत्पत्ति होती है और आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है तो पक्षांतर कहते हैं आत्मा अस्तित्व यानी कि आकाश को दृष्टांत देते हैं परंतु दृष्टांत में कुछ हिस्सा को लेकर के देते हैं पूर्ण पूर्ण नहीं हो सकता आकाश में सजातीय भेद नहीं है स्वगत भेद नहीं है परंतु विजातीय भेद है आत्मा में ये समझ में आया ये आकाश में सजातीय भेद नहीं है दुष्ट आकाश कोई नहीं है स्वगत भेद भी नहीं है आत्मा आकाश निरवय वस्तु है विजातीय वस्तु परंतु आत्मा का सजातीय भेद भी नहीं है विजातीय भेद भी नहीं है स्वगत भेद भी नहीं है सदैव संवेदमग्रासीत एकम एव अद्वितीय तीन शब्द जगह एकम एव अद्वितीय तीन शब्द जगह स्थिति वहाँ पे सजातीय विजातीय स्वगत भेद का निषेध सजातीय भेद एकम सजातीय वस्तु नहीं एकम एव एवं मतलब बात विजय कोई भी वस्तु नहीं है अद्वितीय शब्द जगह स्वगत भेद भी नहीं है राष्ट्र ऐसे लिखा है वहाँ परंतु आकाश का दृष्टांत तो देखकर हम आत्मा को समझाते हैं परंतु यहाँ पे विषमता क्या है वहाँ पे क्या है विजातीय भेद है यहाँ सजातीय स्वगत भेद नहीं है इसलिए बोलता है स्वगत सजातीय भेद शून्य इति अर्थ ठीक है ना ये चीज को ध्यान रखना लेकिन थोड़ा सा भी हमारे अंदर विसंगत तुरंत निकाल दो दिया पूरा आकाश का प्रतिष्ठान नहीं हो सकता आत्मा ही आकाशवत आत्मा आकाश के समान है आकाश के समान मतलब असंग है व्यापक है असंसृष्ट है कथित नंबर परंतु जैसे घटाकाश है इव उदित परंतु घटाकाश उत्पन्न होने पर आकाश परिच्छित हो गया कि घटाकाश उत्पन्न हुआ जैसा दिखाई पड़ता है इस प्रकार जीवात्मा के शरीर उत्पन्न होने पर आत्मा उत्पन्न हुआ जैसा प्रतीत होता है घटाकाशे इव उदित जैसे घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसे वहाँ पे कुछ भी घटाकाश की उत्पत्ति नहीं होती किसकी उत्पत्ति होती है केवल मात्र घट की उत्पत्ति होती है केवल मात्र घट की उत्पत्ति इसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर की मात्र उत्पत्ति होता है तब जीवात्मा की उत्पत्ति भी ऐसा होता है इसके बोलते हैं कुछ जीव ही तृतीय बहुवचन है घटाकाश ही तृतीय बहुवचन है दृष्टांत भाग में क्या है जिस प्रकार अलग अलग उपाधि से अलग 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 आकाश उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है इसी प्रकार 84 लाख योनियों में आत्मा आकाश का अलग अलग तरह उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है इसलिए जीवे घटाकाश उदित उदित मतलब प्रतीति होती जाओ वो प्रतीति होती है अलग अलग है ना उदित मतलब उदय हुआ जैसा कोई नया वस्तु में उदय हुआ जैसा आकाश ऐसा देखने आत्मा ही आकाशवत जीवेन घटाकाश लोहित घटाधिवत संघात ही उत्पन्न कैसे दिखाई पड़ता है जिस प्रकार घट आदि की तरह जो संघात है ना घट उस संघात के माध्यम से ये आकाश भिन्न भिन्न प्रकृति होता है बस यही हमारे आत्मा की उत्पत्ति में दृष्टांत जातो एतत् निदर्शनम जन्म में यही दृष्टांत है जन्म को समझने के लिए यही दृष्टांत है मतलब क्या हो गया उपाधि रूपी घड़ा की उत्पत्ति के कारण घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है
इसी प्रकार उपाधि रूपी इस शरीर की उत्पत्ति होने के कारण जीवात्मा की उत्पत्ति हुई जैसी प्रतीति हो इतना ही मात्र जन्म में समझना घटादि वंश संघाते घटादि की तरह जो अलग अलग संघात दिखाई पड़ते हैं है ना वो उस जाति के विषय में जन्म के विषय में जातो सत्य में एक गति जाति शब्द का शब्द जातो निदर्शन जाति धर्म के विषय में यही हमारे लिए दृष्टांत है हमारे लिए दृष्टांत ठीक है आप आइए भाषण टीकाकार पहले देखिए इसका अर्थ करते हैं टीका में देखिए कि जीव भेद प्रकृति स्तर ही कथम यदि आत्मा में भेद नहीं है तो जीव ये अलग जीव ये अलग जीव ये अलग ये ऐसा अलग अलग भेद की प्रकृति कैसे होती है क्यों होती है है ना जीव भेद प्रकृति कही का जीव भेद के जीव भिन्नता की प्रकृति नहीं अलग अलग दार्शनिकों को एकमात्र वेदांति को छोड़ करके जीवात्मा को सभी ने अनेक माना परमात्मा से भिन्न भी माना शांत दर्शन में परमात्मा शब्द है नहीं इसलिए वहाँ पे जीवात्मा को अनेक मान के छोड़ दिया योग दर्शन में परमात्मा विशेष पुरुष माना तीन पदार्थ को लिया नया दर्शन वैशेषिक दर्शन जीवात्मा परमात्मा अलग अलग माना जीवात्मा ने क्या परमात्मा एक इस पर सभी बातें भेद माना सार पूर्व मीमांसा दर्शन को कहना ही क्या है वो तो सारा जीव अलग अलग कर्म विश्व अलग अलग इन्हें जिम्मा करने देते हैं ये होती है अलग अलग की प्रकृति ऐसे कैसे होता है कथम क्योंकि आशंका जीव ही घटाता शरीर उदित ये जिस प्रकार घट की उत्पत्ति होने पर घटाकाश की उत्पत्ति भी जैसे प्रतिदिन होती है ठीक इसी प्रकार एक शरीर की उत्पत्ति के कारण है ना अपने कर्म के अनुसार शरीर की वासना को लेकर के जब शरीर की उत्पत्ति हो जाए तो जीव की उत्पत्ति भी जैसे प्रतिदिन होती है सूक्ष्म शरीर की भी उत्पत्ति नहीं होती एक ही बार उत्पत्ति होकर कहा दिखाई से यही घूमता रहता है तो आत्मा में कहते हैं क्या लेकिन सूक्ष्म शरीर की भी उत्पत्ति नहीं होती वो एक वर्णन की तरह चलता आ रहा है अपनी वासना से नया नया शब्द उत्पन्न कर देते हैं तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति कारण उसकी उत्पत्ति जो प्रती होती है इसलिए आत्मा में इतना भेद है भेद की प्रती होती है इसके लिए तो यहाँ पे देखिए टीकाकार बोलने समय यथा आकाश टीका है ना यथा आकाश विभूत्यादि धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न भवति तथा परमात्मा विशेष अभाव जैसे आकाश आकाश में विभूत है विभूत तो आगे से क्या लेंगे यहाँ पे असंगत असंसृष्ट है ना हमें एक लेना धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न होते स्वगत स्वगत भेद आकाश में स्वगत भेद तात्विक कभी नहीं पेज 129 जीव भेद स्वगत तात्विक भेदवान न भवती ठीक है ना वहाँ पे द्वित्व नहीं हुआ है ना उसके लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं हाँ आगे अश्विन पहले रश्य भी नहीं है पहले दीर्घ है आगा है ना इसलिए दो चिन्ह है जिसके द्वारा निश्चय कर सकते हैं प्रगति समय नहीं मिली बस ये आगे अश्विन है पहले दीर्घ इसलिए स्वगत तात्विक भेदवान है ना स्वगत जो भेद है वो तात्विक नहीं है न भवति यथा आकाश क्यों विभुत्वा असंगत मुख्य विभूत तथा ठीक इसी प्रकार परमात्मा स्वगत तात्विक भेदवान न भवति तथा ये शब्द दोनों जगह पे जाएगा एक जगह पे हमारा पक्ष हो गया आकाश और दूसरी जगह पर तब यहाँ पर हमारा पक्ष हो गया परमात्मा आकाश आकाश तक आकाश सुदृष्टांत दे देंगे तब है ना तब क्या जाएगा परमात्मा स्वगत तात्विक भेदवान न भवति कस्मा विशेष अभाव आकाशवत मैंने इसी पंक्ति से आपको न्याय की भाषा को तब क्या जाएंगे परमात्मा को पक्ष बना दिया परमात्मा स्वगत तात्विक भेदवान न भवति शब्द हो गया कस्मा विशेष अभाव आकाशवत हेतु रूप आकाश दृष्टि जथा आकाश बोल रहे आकाश दृष्टांत हो गए आकाश और विभुत्व आदि धर्म आकाश में जो व्यापक होता है वो धर्म क्या होता है
स्वर्गत प्राप्ति होने के कारण स्वर्ग तो वो परिच्छिन्न कभी नहीं हो सका। आकाश में वस्तु परिच्छिन्नता, देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता नहीं है। वस्तु परिच्छिन्नता की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि आकाश से भिन्न वस्तु है, परंतु आकाश में भिन्न वस्तु होने पर भी आकाश उसका नाम शुद्ध रहता है। आकाश में वायु घूमते रहते हैं, आकाश में तेज दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसका नाम शुद्ध रहता है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं, 10 नंबर, विशेष अभाव विभुत्ता विधि आकाशेन अविलक्षणत्वात्। तो विशेष अभाव जो हेतु दे रहे हैं ना, मतलब विभुत्वादि जो आकाश में जो धर्म हमने कहा उसमें असामान्य रूप से धर्म यहाँ भी आने के कारण विभुत्वादि भी आकाशेन विभुत्वादि धर्मों के साथ आकाश के साथ इसका अविलक्षणत्व विलक्षण भिन्नता नहीं होने के कारण अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दिया है ना। टीका में 129 यथा आकाश विभुत्वादि धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न भवति तथा परमात्मा विशेष अभाव। विशेष अभाव का अर्थ क्या कर दिया, विभुत्वादि भी आकाशेन अविलक्षण, विभुत्वादि धर्म से आकाश की तरह इससे विलक्षण का भिन्नता नहीं होने के कारण इसको समझा रहे। देखो अपने आप ही यथा च महाकाश घटाकाश आकारेण प्रतीयते, ठीक है, जैसे व्यापक आकाश, ठीक है ना, व्यापक आकाश एक ही आकाश है, परंतु आप इस चार दीवारी के अंदर घेरे के आने के कारण उसी आकाश को यहाँ एक जगह पे हमने नया जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के बाद जमीन को बड़ा आकाश है। अब वहाँ पे आपने फाउंडेशन बनाया, फिर जो है कई मंदिर बनाया और फिर जो कई कमर बनाया। अब देखो वही आकाश का आकाश कोई नहीं समझता है, देखो क्या समझा, बेडरूम, ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, वॉशरूम, ये सब घूमते रहते हैं। एक सेकंड में एक झटका आ जाए, दीवार टूट जाए, आकाश आकाश कभी नहीं हो, आकाश भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप बोलते ठीक इसी प्रकार यथाचा महाकाश घटाकाश आकारेण, जैसा महाकाश घटाकाश के आकार के साथ प्रतीति होता है। महाकाश किसके साथ प्रतीति होता है, घटाकाश के आकार के साथ प्रतीति होता है। यथाच महाकाश घटाकाश आकारेण प्रतीयते तथा परमात्मा नाना विध जीव आकारेण प्रकृति गोचर भवती है ना। ये सिद्धांत तो जब समझ में आ जाता है या एक तो समझ में आता है आकाश बोतल के अंदर घर के अंदर किसी भी जगह दीवार के अंदर एक ही आकाश है, अलग अलग रूप में प्रकृति मात्र होते हैं, आकाश में कभी भी भेद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की कभी भी भेद नहीं है, परंतु अलग अलग शरीर के साथ तो अलग रूप में प्रकृति होती है। इसी अलग रूप में यथा च महाकाश भाकाश आकारेण प्रतीयते तथा परमात्मा ठीक उसी प्रकार नाना विध जीव आकारेण अनेक प्रकार के जीव के आकार के माध्यम से प्रतीति गोचर भवति। बिजली को आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे यदि ये उपाधियाँ नहीं होंगी। यही बिजली जो है लाइट के रूप में, पंखा के रूप में, गीजर के रूप में, कूलर के रूप में, फ्रिज के रूप में, ये बिजली ही अभिव्यक्त होती है। यदि ये नहीं होते तो बिजली को समझना संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि ये उपाधियाँ नहीं होती ना तो आप कभी नहीं विशेषता कभी नहीं समझ पाए। यही रूप है नाना विधो जीव आकरण प्रकृति गोचर भवती इति अर्थ। कथम संघातानां, टीका में कथम संघातानां परस्मात् उत्पत्ति इति आशंका। क्योंकि संघात तो परिच्छित रूप में दिखाई दे रहा है, व्यापक जो है व्यापक वस्तु में तो उत्पत्ति क्रिया होना संभव नहीं है और क्रिया के बिना उत्पत्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया जब उत्पत्त संस्कार में विकार जो आप ये चाहे क्रिया के द्वारा होता है ये अगर क्या जो संपादन है उत्पत्त संस्कार में विकार जो आपको ये क्रिया के द्वारा संपादित होते हैं, तो अगर आप उत्पत्ति होते तो कोई ना कोई क्रिया चाहिए, पर व्यापक वस्तु में क्रिया होना संभव नहीं है तो परमात्मा से उत्पत्ति का संभव परमात्मा जिस जिस प्रकार घटाकाश की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति हो गया परिच्छिन्न मृत्तिका से घड़ा की उत्पत्ति होगी, प्रतीति क्या हुई घटाकाश की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार यहाँ पे क्या पंचभूत से शरीर की उत्पत्ति हुई, प्रतीति क्या हुई जीवात्मा की उत्पत्ति। इसी को यहाँ समझाने के लिए बोलते हैं कथम घट संघाता नाम परस्मार उत्पत्ति की आशंका घटाधिपत घटाधिपत संघात
जातम एतन निदर्शनम। अब यहाँ से जो आनंद की जी को लिखते हैं, यथा मृद सकाशात घटादय जायते तथा परमात्मा एव पृथ्वी संभाग आकार जायते इति अर्थ। ये थोड़ा सा मैं आपको अर्थ पढ़ रहा हूँ, वेदांत सिद्धांत तो नहीं है, बोलना क्या चाहते हैं इसमें। यथा मृद सकाशात घटादय मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है और उस घट की उत्पत्ति के कारण घटाकाश की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, ये अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। और तथा परमात्मा एव उसी प्रकार परमात्मा ही पृथ्वी आदि संघात आकारेगा जाएगा। परमात्मा पृथ्वी आदि संघात रूप में ये विवर्त है, तो परमात्मा भी कर सकते हैं वो, वहाँ से आकाश तन्मात्रा तन्मात्रा से भूत पंचकरण ये सब है, परमात्मा को भी प्रकृति होती है, इसलिए बोलते हैं पृथ्वी आदि संघात वो संघात रूप में वही परमात्मा उत्पत्ति। जिस प्रकार घरा की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार पंचभूत से संघात उत्पत्ति होने पर जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रकृति होती है। परिणाम बात को लेकर यदि आप मानेंगे तो परिणाम बात को लेकर हम यहाँ पे मांडव को कार्यकाल में परिणाम बात को समझाने के लिए बोलते हैं। समझाने कितना समझाना है हमको कि जिस प्रकार घट की उत्पत्ति होने पर घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है, इसी प्रकार पंच महाभूत से सृष्टि उत्पत्ति होने पर परमात्मा उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है। परंतु वहाँ के पास परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है, परमात्मा एक पृथ्वी आदि संघाता करना चाहते यदा आत्मन जीवादेना उत्पत्ति इष्टा तदा कस्या उत्पत्ति दृष्टान्त वचनम एक जानते देश प्रकार जगह। जिस समय हमको समझाना है उत्पत्ति कैसे होना सकते, इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी देखना पहले जो परिणाम बात को आश्चर्य को लेकर के उत्पत्ति मतलब समझाते हैं, सृष्टि को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पक्का करने के लिए क्या कभी भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते। इतना हिस्से में परिणाम बात को आश्रय लेते हैं, यदि आप परिणाम बात को लेकर क्यों इससे क्या लाभ होगा, हमारा लाभ यही होगा कभी भी इस कार्यात्मक की शरीर परमात्मा को छोड़ करके नहीं रह सकता, क्योंकि वो मूल कारण नहीं है, तो एक परमात्मा शुरू सिद्ध हो जाए। इतना अभिप्राय से बार बार बोलते हैं हम तो अलग मानते हैं अपने परमात्मा को, कभी भी घट नहीं कह सकते कि मैं मृतिका से अलग हूँ। यदि कोई घर ऐसा कह दे कि मृतिका अलग मेरा स्वरूप नहीं रहे, क्योंकि मृतिका से बने ही गए तो कैसे मृतिका से अलग हो सकते हैं। ये परिणाम पद को लेने का हमारा यही अभिप्राय रहता है, परिणाम पद से कार्य कारण का अभिन्नता को पक्का कर देते हैं, फिर बोलते हैं इसी को ही विवर्त बाद में नहीं आएगा। जिस समय आपको रज्जु को सर्प दिखाई पड़ रहा है, उस समय भी रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, तीनों काल का रज्जु को छोड़ करके नहीं रह सकते। इस अभिप्राय से हम ऐसा बोलते हैं यथा मृत सकाशात घटा रहे जायते तथा परमात्मा को पृथ्वी संघाता करना चाहिए। यदा आत्मन जीवादिना उत्पत्ति समय आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति कहना हमारा अविष्ट होता है, तदा कस्याम उत्पत्ति उस प्रकार की उत्पत्ति में ये जो है दृष्टान्त कस्याम उत्पत्ति दृष्टान्त वचन में था, ये दृष्टान्त है। क्या दृष्टान्त है? जैसे घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, ऐसा समझना। ये व्यतिकरण समझना है हमें, पता सृष्टि के विषय में ही हमारे लिए दृष्टांत है, सृष्टि के विषय में ही हमारे दृष्टांत होते हैं। तदात्मन जीवादि उत्पत्ति निष्ठा तदा तस्म उस अवस्था में उत्पत्तो उस उत्पत्ति में तस्म शब्द दृष्टान्त बनाकर जातो एक निदर्शन इसका अर्थ कर दिया, अरे सृष्टि के विषय में यही हमारे लिए दृष्टान्त है। यहाँ पर आनंद गिरी जी ने श्लोक की अर्थ कर दिया। अब भाष्यकार को देखा तो बखा दे, अब भाष्यकार बोलते हैं तो देखो हाँ यहाँ पर हो गया, इसे बोलते हैं श्लोकस्य वृत्त अनुवाद पूर्वकम तात्पर्य आह। श्लोकस्य श्लोक का कौन सा श्लोक का किसका जिसका आत्मा ही आकाश हो पड़ता है। श्लोकस्य वृत्त अनुवाद पूर्वक पहले दो श्लोक में जो कथन कर रहा था उसको पहले दोबारा बोल करके इस श्लोक के तात्पर्य को भगवान भाष्कर कहना चाहते हैं, है ना। तात्पर्य वृत्त अनुवाद पूर्वकम तात्पर्य तात्पर्य उसको समझेंगे, ये चीज समझते हमेशा। अचानक मैं कुछ नया तात्पर्य नहीं ला सकता हूँ, वेदांत एक धागा में गुथा हुआ है,
इसीलिए इसका एक वाक्य था, जिस चीज को हम पहले से समझाते हुए आ रहे हैं उसको थोड़ा पक्का करने के लिए दृष्टांत होते हैं। वृत्त अनुवाद पूर्वक हम पहले जो कथन करके आया उसको पक्का करने के लिए इस किताब पर जो कहते हैं। अब भाष सुना दे, अजाति ब्रह्म अकार्पण्य भाष्यम। देखिए अजाति न्यूट्रल देते हैं इसलिए विषय को नहीं देते, बारी बारी नहीं बारी नहीं उसी प्रकार अजाति कौन है। अजाति मतलब जन्म रहित स्थिति, न जायते इति अजाति कौन है, ब्रह्म मतलब निर्विशेष व्यापक है ना, ये ब्रह्म भी निर्णय देता है, ब्रह्म ब्रह्मानी ब्रह्म से वाणी को विश्व, यही हो गया। इसको समझना यही अक्रमणता की जो भाव है ना, अकारगम्य मतलब जहाँ पे भेद राहित अजाति जन्म रहित स्थिति जो अकारगम्य भेद राहित हो, बक्षामी ये जो मैं उसको मैं कहूँगा तो बक्षामी अकारगम्य है ना, अजाति क्षमता अजाति ब्रह्म अकार्पण्य वक्षामि। एक आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, दीर्घ ही होना चाहिए, दीर्घ ही होना चाहिए, हाँ उसको दीर्घ ही करते हैं। अतो वक्षामि वहाँ पे रश्विकर है ना, आपके दीर्घ है, हमारे पुस्तक का रश्म है मौ में दीर्घ का ही रश्म है, ठीक है आपके पुस्तक में दीर्घ है, हाँ ठीक है हमारे पुस्तक में रश्म है, दीर्घ का तो बक्षामी अकार वक्षामी बोल कर लास्ट लाइन में देखो ना यहाँ पे कहते अतो वक्षम्य कार्पण्य वहाँ पर इकोनॉमी संधि लग गया, श्लोक में देखते हैं श्लोक में इकोनॉमी लग गया ना, वहाँ पे इसका अवक्षाम्य हो गया, वक्षामी रश्विकार है, रश्विकार के साथ इति आया हुआ इसका दीर्घ का हो गया, अतो वक्षामी अकार्पण्य वक्षामी इति। इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा जब प्रतिज्ञातम, जब प्रतिज्ञातम कारिका कार्य न कारिका कार्य कौन प्रतिज्ञा किया था, कारिका कार्य उसको सिद्ध करने का, आपने जो प्रतिज्ञा किया पहाड़ में आग है, आपकी प्रतिज्ञा सिद्ध करने का क्या करना पड़ेगा, पहले आपको हेतु देना पड़ेगा फिर दृष्टांत देना पड़ेगा, पहाड़ में आग है क्योंकि यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है, मुझे रंधनशाला में ऐसा दिखाई दिया था पहले, ठीक है ना, तो हेतु इसको बोलते हैं हेतु और दृष्टांत, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन पांच अवयव के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। तो आपने प्रतिज्ञा तो कर दिया, क्या कर दिया, क्या तो वर्ष अकार्पण, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको हेतु देना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं हेतु दृष्टांतम जब बक्षामी दिया हो, इस मतलब जब मैं जब बोला अतो बक्षामी अकार्पण ने प्रतिज्ञा वाक्य किया तब इस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए मैं हेतु भी बताऊँगा दृष्टांत भी बताऊँगा, ये अपने आप ही आ जाता है, ये अपने आप ही आ जाता है, लेकिन हम तो आपको प्रतिज्ञा सिद्ध ही नहीं होगा, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आपके हेतु और दृष्टांत देना पड़ेगा, तब सिद्धियर्थम मतलब प्रतिज्ञा सिद्धियर्थम हेतु दृष्टांतम च हेतु और दृष्टांतों को भी मैं बताऊंगा। इधर आऊँ आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं दृष्टांत दे रहे हैं, आकाश में जैसे कैसे जैसा आकाश के आकाश से घटाकाश आदि का उत्पत्ति नहीं होती प्रतीति होती, किसी प्रकार परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति की प्रतीति होते हैं परंतु वास्तविक नहीं होती दृष्टांत दे रहे हैं। इसलिए बोलते हैं श्लोक से वृत्त अनुवाद पुत्र तात्पर्य भाव, तो क्या बोलते हैं अजाति ब्रह्म अकार्पण्यम वक्षामि इति यत् प्रतिज्ञातम तच्चित्यर्थम हेतु दृष्टांतम च वक्षामि इति। अब आगे बोल रहे हैं कि पहला पाद में जो है आत्मा ही आकाश वरिष्ठ कथा बोलते हैं प्रथम पादस्य अक्षरार्थम पहले पाद, जो तो इस श्लोक में चार पाद है, पहला पाद है आत्मा ही आकाश व्रत जीव ही हो गया पहला पाद, महाघटाकाशोदित पहला पाद है प्रथम पादस्य अक्षरार्थम, प्रथम पाद में आयु अक्षर के अर्थ को कहते आत्मा, आत्मा पर कौन सा आत्मा, हमारे पास एक ही आत्मा है, जो आत्मा नहीं है वो परमात्मा शुद्ध आत्मा ही पर ही दसवाद ही मत आत्मा ही शब्द वाक्य क्या कर दिया, आत्मा मतलब परमात्मा ही मतलब दसवाद क्योंकि आकाश होगा तो आकाश की तरह कैसे सूक्ष्म निरअवयव सर्वतः, ठीक है आत्मा की तरह सूक्ष्म है, आकाश की तरह निर अवयव है और सर्वरत्न व्यापक है, ठीक है ना,
है ना, आत्मा मतलब परमात्मा ही, जस्मात आकाश के समान सूक्ष्म भी है, निर्भाव्यव भी है और व्यापक भी है, जस्मात आकाशवत उपकार इस प्रकार परमात्मा आकाश के समान ऐसा कहा गया। जीव ही, जीव कौन हो गया, क्षेत्र ही, क्षेत्र समाचार से माध्यम से घटाकाश इव, इस प्रकार घटाकाश की उत्पन्न होता है, घटाकाश अरे घटाव घटाकाश तुल्य ही, घटाकाश के समान, इस प्रकार घटाकाश की उत्पत्ति नहीं होती, होती किसकी उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति होता है, मतलब घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसे प्रतीत है, उदित मतलब कथित मतलब उक्त घटाकाश इवित, आत्मा ही आकाश जीव, जीव घटाकाशे बोधित, उदित शब्द का आत्मा में क्या कर दिया, यहाँ पे दो नंबर में तो बोला था प्रतीति, और यहाँ पे देखिए आदर्श का लिख रहे उदित मतलब उदित कथित उक्त, स एव आकाश सम पर आत्मा, मतलब क्या हो गया, वो परमात्मा आकाश की समान है, स एव पर आत्मा आकाश सम, वही परमात्मा आकाश की समान है, जो कि परमात्मा समझना चाहते हैं हमारे पास एक दृष्टांत है आकाश के समान, तब यहाँ बोल कर भी भगवान जानते हैं, हम जानते हैं ये तो उल्टा समझ जाएगा, फिर परिणाम बात का सत्य कर लेगा, तो अथवा मतलब ये अथवा कहने का इसमें हमारी रुचि नहीं है, हमने समझाने के लिए बोल दिया, अभी आज अथवा घटाकाशी यथा आकाश उदित उत्पन्न, इस प्रकार घटाकाशों की उत्पत्ति होने पर आकाश की उत्पत्ति होती है, जैसा तथा पर जीवात्मा भी उसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा के माध्यम से उत्पन्न, मतलब जीवात्मा परस्मात्मा उत्पत्ति, जीव रूप से परमात्मा का उत्पन्न, परमात्मा से जीव रूप की उत्पत्ति भी ऐसा जो श्रुति में कहा जाता है, यहाँ सूर्यते जो सुना जहाँ सूर्यते, अब देखिए जहाँ प्रथमा बहुवचन है, सूर्यत में एक वचन है, तो इस सूर्यत का हमने किसके साथ बोला, ना ना यह उत्पत्ति, उत्पत्ति एक वचन है, हाँ यह उत्पत्ति सूर्यते, जिन जिन वस्तुओं की उत्पत्ति को पैसे में क्या प्रयोग होता है, कर्म को कर्म, तो यहाँ पे कहते हैं वेदांतेषु वेदांतों अंगों में सा, वेदांतों में जो उत्पत्ति श्रुति होती है ना, वो श्रुति क्या होता है, सा महाकाशा घटाकाश उत्पत्ति समा, उत्पत्ति से लिखा है, इसीलिए महाकाश से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार ऐसा ही उत्पत्ति समझना चाहिए, ठीक है ना, सा उत्पत्ति घटाकाशा घटा महाकाशा महाकाश से घटाकाश उत्पत्ति समा, महाकाश से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति है इसी के समान है, न परमार्थ इति अभिप्राय, परमार्थ की उत्पत्ति नहीं है ये इसका अभिप्राय है, ठीक है, अथवा बोल करके घटाकाश यथा आकाश उदित, पहले लगता है कि इसलिए जैसे भगवान भाष्यकार ने बोला इसलिए आनंद के लिए जी आप लोग परिणाम बात को लेकर के पहले बोल दिया, जैसे मृत्यु का शिकारा की उत्पत्ति है, पर भगवान भाष्यकार बोलता परिणाम बात को लेकर हम इसे समझाया कार्यक्रम का अभिन्नता को समझाने के लिए, वास्तविक हमारी स्थिति क्या है वो बोलने के लिए, अथवा घटाकाश यथा आकाश उदित, जैसे घटाकाश की उत्पत्ति होने पर आकाश की उत्पत्ति हुआ, जैसे प्रतीति उत्पन्न ठीक उसी प्रकार तथा पर जीवात्मा भी परमात्मा भी, पर हो गया नॉमिनेटिव सिंगुलर इसलिए हो गया आकाश के स्थान में, जीवात्मा भी हो गया घटाकाश तृतीय बहुवचन है ना, जीवात्मा भी उत्पन्न उत्पन्न हुआ, मतलब क्या होगा, जीवात्मा नाम परस्मात् आत्मा, जीवात्माओं का परमात्मा से उत्पत्ति हुआ, ये जब जो श्रुति में सुनाई देते हैं, कौन से श्रुति में सुनाया, वेदांत की जो श्रूयते, द्वितीय मुंडक का पहला खंड का पहला श्लोक है, तद एक सप्तम करके पहले एक था द्वितीय छोटा शब्द लिख दे के आपको द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का प्रथम श्लोक है, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्ता पावकात् इति सदे पारमार्थिक सत्य, यथा सुदीप्ता पावकात् स्फुलित सहस्रशत परमार्थ स्वरूप तथा अक्षरा विविध संग भाव प्रजायन्ते तत्र चैव अपि अद्विति,
उसमें न्याय भी प्राप्त करते हैं। जैसे जहाँ सूर्य पर जब अभिन्न निमित्त वादा करते हैं तब सिद्ध होगा और विवर्तवाद के बिना संभव नहीं है। ये सुनाई देता है इस प्रकार अच्छी तरह जले हुए अग्नि से श्रुति का पावक अच्छी तरह जले हुए अग्नि से विस्फुलित का चिंगारिय समस्त से प्रभाव बनते है ना, हजारों निखर के आते हैं परंतु एक शब्द को ऊपर ध्यान स्वरूप तो विस्फुलिंगों की जो स्वरूप है वो अपनी जो शक्ति है वो तो एक छोटा सा चिंगारी भी बहुत बड़ा दूरी की धाम देर को जला सकता है। मतलब जो क्षमता अग्नि में वो क्षमता चिंगारियों में भी है। जब तक ये परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़ता है ये संगीत व्यापकता में कोई परिच्छिन्नता नहीं है, स्वरूप में कोई सच्चित आनंद अंश में कोई कमी नहीं है, इसलिए स्वरूप। और ये श्रुति द्वैतवादियों को मिल जाता है कि देखो श्रुति दो भेद बोल रहे हैं उत्पत्ति हुई, परंतु ये स्वरूप ये सुंदर को सुना ध्यान देते हैं ना, यहाँ पर उत्पत्ति दिखाना अभिप्राय नहीं है। विशेष ऐसे ही आया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में भी मैत्री ब्राह्मण वहाँ भी ऐसे यथाश्रुति श्रद्धा काल का ऐसा करके जागरूक मैत्री को समझाने उत्पत्ति स्थिति और वह स्थिति उत्पत्ति काल से पहले देखो वस्तु अपने कारण में विद्यमान रहता है, स्थिति काल में भी अपने कारण में रहते हैं, वह काल भी कारण में रहना एक आया प्रक्रिया और दुर्दगा दुर्दुभ्यन्न मानस है कभी विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकते। तीनों अवस्था में कार्यभाग के कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते जो सूर्यंत वेदांतेश यथाशुद्धि पारों का विश्वंत्र स्वरूप इत्यादिशु वेदांतेश प्रकार वेदांत वाक्यों में कहा गया है सा महाकाश घटाकाश उत्पत्ति समान महाकाश से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति होती है उसके तुल्य है ये समवर्थ तुल्य न परमात्मा परमात्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है क्योंकि अभिप्राय ही उसके अभिप्राय विविधविषयधर्म क्षणानाभयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नरोऽस्मि। ॐ नमः।